तब आप बता रहे थे कि आप केपीके से आप हैं, आपका ताल्लुक है, और वहाँ पे इमरान खान साहब ने जो तब्दीलियाँ लेके आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, पहले पहले लोगों ने हमारा लकी सीमेंट फैक्ट्री गैस हमारे सामने गुजरवाए, वो हमारा हक मानता है, उन्हें मिनरल बनाया और पानी हम टेंकर 1200 के पीते हैं, हमने तालाब बनाया, पानी जो बारिश वाला कभी इकट्ठा हो जाता है कभी वो पीते हैं, कभी कभी ऐसा उसका नाम है उमर तरखेल गाजी खेल, उसके बाद तभी मुराद, ये सारा एक लोग पानी टेंकरों पर पीता है। और पानी कहाँ से आता है, उस क्या नाम है, एक जगह से आता है, वो बंदा पानी बेचता है और हम उसे लेते हैं पैसे पर टेंकर। क्या नाम क्या उसका जो बंदा पानी वहाँ से खरीदता है वो बेचता, जो उसका नाम पानी एक शबाज खेल में भी पानी अपना नहीं है, ये जितना फिर उसे लेकर वो वहाँ तक गंदी खेल तक पानी इसी तरह बड़ा किला थे, हर गरीब आदमी ये बड़ा मुश्किल से ज़िंदगी गुजारता है, तब्दीली कभी भी नहीं आ सकता है क्योंकि पानी हमारा है नहीं, एक टैंकर हम 1200 पी, मैं खुद पीता हूँ, और सिक्योरिटी का काम 12 घंटे ड्यूटी है और हमारे को 500 रुपया मिलता है, 500 रुपया मवार देता है, सुबह 12 घंटे में बच्चा बड़ा भी हो जाता है और सलवार भी पहनता है और चल भी पड़ता है। तो मेरा मकसद ये है कहने का, आपने बोला कि मैं तब्दीली लाऊंगा, तब्दीली का मकसद ये नहीं है कि हमारे को गले से कूट लें। तो आप महंगाई की जो बात कर रहे हैं, महंगाई का मैं लेता हूँ, वो हमारा गलतियाँ हैं या जैसे भी है ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये शुरू से हमारा अतखेल, उसका नाम है अतखेल में एक ट्यूबवेल है, वहाँ से टेंकी भरता है, वो पानी बेचता है, उसके से पैसे लेता है, वो टेंकर वाला उमर तरखेल में आता है, लोग पानी पीता है, उसके बाद ऐसा वो इन लोगों ने टेंकी घर घर में बनाया है और वो ये पानी सारे पैसों पर पीता है। हम वो पानी कहाँ तक है, 250 फुट से शुरू हो जाता है, हम गरीब लोग हैं, हमारा जो ज़मीन है अच्छा ज़मीन है, वो बारिश का इलाका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का इलाका है, वो उन लोगों ने बड़ा गलती किया, वहाँ पे गैस है, गजनी खेत से आगे पहाड़ है, उसमें गैस भी है, पेट्रोल भी है, डैम नहीं है आपके इलाके में। जो खान साहब ने कहा था कि 350 उन्होंने रिजर्वायर बनाए हैं पानी के, मुख्तलिफ पीने के पानी के और इस्तेमाल के पानी के, क्या आपके इलाके में कोई भी नहीं बना? नहीं, हमारे इलाके आज तक बना नहीं है, इम्कान है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, जब आर्मी से वापस आया उसके बाद ये पानी अभी तक हमारा एक दिन भी बैठ कर नहीं पिया, जो पैसे यहाँ से कमाता हूँ 12 घंटे वो उनको देता, हमारा बच्चे दूर दूर से देखता है कि वो पूरा नहीं होता, पेंशन भी दिया, जो पेंशन मेरा 1200 है, 12000 है, वो उनको खाने पीने का वो दे देता हूँ और पानी का, इन्हें खशाक पैसों पे लेता है, ये कोई सहूलत नहीं है। तो आपके इलाके में कारोबार या कोई ऐसी मुलाजमतें नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है वहाँ पे, तो मैंने तो सुना था कि मैं आपको क्या बताऊँ, जिसके वो जिसका लाठी उसका भैंस, बात यह है जिसके पास पैसा है वो शमसी से ज़रिए से ट्यूबेल निकाला है, मौज उड़ा रहा है, जिसने ये बात है। अच्छा, आपके इलाके में बिजली भी नहीं है? बिजली खम्भे है, खम्भे को देखता है हमारा, और बिजली कभी भी नहीं आता है, शायद 1 घंटा 24 घंटे में एक आ जाता है, वो गलती से आता है, बिल हम भरता है और हमारे को अभी तक बिजली नहीं है, वो कहाँ पर नहीं, उम्र तर खेल में नहीं है, और ग्रिड जो है एक है, वो उसके ऊपर बंद ज़्यादा है और वो लोग गद्दारी करता है और बिल नहीं देता, खोंडे डालता है, 2 नंबर काम करता है, तो इसके बाद ये इसके पैगाम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि तुम गलत काम क्यों करते हैं। अच्छा, आप खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई बात ये सुनो, ये सिर्फ हमारे बेटे से काम नहीं बनता है, कि मेरा बेटा ये मैं बोलता हूँ कि भाई ये गरीब लोग ये पानी अभी तक नवाज शरीफ से लेकर यहाँ 13 तक अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ है, ट्यूबवेल बनी हुई है, लोगों ने पैसे खाया हुआ है, स्टैंडर्ड खाया हुआ है, ट्यूबवेल अभी तक निशान है कि यहाँ पर
ट्यूबवेल बने हुए, इन लोगों ने पैसे खाया हुआ है, पब्लिक हेल्थ वाले इन लोगों ने पैसे खाया हुआ है। और अभी तक हमारे इलाके में ट्यूबवेल है बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर वो कहते हैं मुझे नौकरी देना पड़ेगा, तरह तरह वो पैसे जेब में डाला हुआ है, क्योंकि पानी